बरसात का सीज़न है और ऐसे में देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय इसलिए भी है क्योंकि पौधारोपण के लिए भी यह बिल्कुल ठीक समय है और ख़ास तौर से प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर अब पौधारोपण का महाअभियान चल रहा है। ऐसे में यहाँ भी अभियान चल रहा है और इस खबर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर से ऐसे कौन से पौधे हैं, ऐसे कौन से पेड़ हैं जो कहीं ना कहीं अन्नदाता के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस खबर में ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये कितने उपयोगी अन्नदाता के लिए सिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि जुलाई महीना चल रहा है तो इस समय बारिश भी पर्याप्त हो चुकी है और पौधे नए पौधे लगाने का रोपण का ये सर्वाधिक उपयुक्त समय है। तो जैसे बहुत सारे जो पौधे हैं जो किसान भाई अपने क्षेत्र पर या अपने घर के पास जो जगह है खाली जहाँ पर वहाँ लगा सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी और स्वयं के प्रयोग में भी ले सकते हैं। इसमें जैसे मैं बताना चाहूँगा करौंदा, करौंदा का पौधा ऐसा है जो कि झाड़ीनुमा होता है और अगर आपका खेत है उसकी मेड़ है या कोई बाग है बगिया है उसके किनारे पर आप करौंदे के पौधों का रोपण कर सकते हैं जिससे कि वो घेरवाड़ का भी काम करेगा और करौंदा बाजार में अच्छी कीमत पर बिकता है, करीब 80 रुपये 100 रुपये किलो तक बिक जाता है। नींबू का पौधा, नींबू भी लगा सकते हैं, नींबू में फलक बहुत अच्छी होती है और एक पेड़ पर काफ़ी मात्रा में नींबू की उत्पादन होता है नींबू का, इसको भी मेड़ पर या खाली जगह पर हम लगा सकते हैं नींबू के पौधे। इसके साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है जिसको मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, सहजन जिसको इंग्लिश में मोरिंगा बोलते हैं या ड्रम स्टिक बोलते हैं, ये अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लोग जानते तो हैं, बहुत कम जानते हैं और कम लोग लगाते हैं। इसकी पत्ती, फूल और इसकी जो फली होती है वो बहुत पौष्टिक होती है और जो मार्केट में जो ऑनलाइन इसका पाउडर बिकता है वो 300-400 रुपये किलो तक बिकता है इसकी पत्ती का पाउडर। इसमें विटामिन, मिनरल्स और ये बहुत सारे तत्व इसमें होते हैं जो इसमें गुण ही गुण हैं बहुत सारे और ये बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। कटिंग भी लगा सकते हैं, जो दूसरे पौधे हैं वहाँ से लगा सकते हैं या बीज से भी तैयार करके लगाया जा सकता है, इस समय विभाग से भी मिलता है वहाँ से लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो फलदार पौधे हैं, इसके साथ साथ और बहुत सारे पौधे हैं जो एग्रोफॉरेस्ट्री में यूज होते हैं जिसमें मुख्य रूप से पॉपुलर, इमली तो खैर सूखे क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छी होती है इमली का पौधा, लेकिन जामुन हमारे क्षेत्र में होता है, जामुन लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो छोटे पौधे में फालसा आता है, फालसा का जो पौधा होता है उसको भी लगा सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जो फलों के जो हमारे रेगुलर फल हैं, आम है, अमरूद है, लीची है, वो तो लगाते ही लगाते हैं। उसके अलावा ये जो माइनर फ्रूट्स हैं जिनका के दोबारा से चलन बढ़ रहा है, जिनकी मांग दोबारा बढ़ रही है, कटहल की भी जो है पैदावार बहुत बम्पर होती है। कटहल को भी हम अपने बाग के बाहर की साइड में कुछ अतिरिक्त पौधे लगा सकते हैं जिससे अतिरिक्त आमदनी हम कर सकते हैं। आंवला से भी बहुत अतिरिक्त आमदनी हम ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है उसमें कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्पीशीज़ अलग से उगाई गई हैं, जिसमें एक मालाबार नीम नई स्पीशीज़ है जो पॉपुलर और यूकलिप्टस का रिप्लेसमेंट हो सकता है, उस पर काफ़ी बढ़ावा हम लोगों ने दिया है। इसके अलावा कृषि वानिकी में सागौन, शीशम, अर्जुन और आपके फ्रूटिंग स्पीशीज़ में अमरूद, आंवला, अनार, आम, इस तरह की प्रजातियां जो हैं मुख्य हैं जिनसे कि कृषि वानिकी करते हुए वो अपनी खेती के साथ में कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी उसके द्वारा हो सकता है। इसमें मुख्यतः मालाबार नीम, क्योंकि टिम्बर का डिमांड यूपी में बहुत है और उत्तर प्रदेश सरकार ने टिम्बर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के उपरांत काफ़ी लाइसेंसेस भी वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को दिए गए हैं जो MOUs इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से दिए गए हैं। वुड की डिमांड को देखते हुए कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए टू एंड फ्रो सारी ही चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए मालाबार नीम को हमने प्रमोट किया है। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी
जो बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें बैम्बू का उपयोग बढ़ा है, तो बैम्बू को बढ़ावा देने के लिए हमने बैम्बू काफ़ी मात्रा में उगाया है। टिम्बर में सागौन बहुत अच्छे से परिपक्व होता है, उसका पैसा भी बहुत अच्छा मार्केट रेट मिलता है, उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। साथ के साथ जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जैसे सहजन है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत रखता है, अनार है, अमरूद है, आम है, वो डिपेंडिंग ऑन द फील्ड की अवेलेबिलिटी, किसान की कैसी है, उसकी डिमांड कैसी है, उसके आधार पे ही कार्य योजना बना के सभी नर्सरीज़ में वो पौधे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ताकि किसानों को इनकम का भी फ़ायदा हो, उनको कुछ एडिशनल फ़ायदा जो पेड़ से मिलते हैं, चार पांच फ़ायदे वो भी मिल पाएँ, और साथ के साथ हमारा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का टारगेट है उसको हम लोग अचीव करें। तो मालाबार नीम 7 से 8 साल में मुख्यतः बड़ा हो जाता है, उसका टिम्बर का साइज़ अच्छा हो जाता है, सीधा बॉल होता है, तो नीचे खेती करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है पॉपुलर की तरफ। तो इस खबर में हमने ये जानने की कोशिश की है कि किसान ना सिर्फ इन पौधों का इस्तेमाल अपनी धरा पर करके मुनाफा कमा सकता है, बल्कि इससे जो पर्यावरण है वो भी कहीं ना कहीं हरा भरा रहेगा। श्रीपाल तेवतिया, ETV भारत, मेरठ।